इसराइल हमास जंग के बीच भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया, जिसके चलते इसराइल से दो नेपाल के नागरिकों समेत 143 लोग विशेष विमान से रविवार को भारत वापस लौटे हैं। ये छठी फ्लाइट है। इससे पहले नेपाल के 18 नागरिकों सहित 286 भारतीयों को लेकर पांचवी उड़ान मंगलवार देर रात नई दिल्ली पहुंची थी। एयरपोर्ट पर सुरक्षित वतन वापस लौटे लोगों ने बहुत कुछ जानकारी यहां पर साझा की है। क्या कुछ वहां पर हालात थे वो भी बताया है, सुनते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा है। मैं इसराइल में डायमंड इंडस्ट्रीज में हूँ और वहाँ पे 7 अक्टूबर को जो सब सुबह में 6:30 बजे हुआ, तब हम सो रहे थे, वहाँ पे सबात था और 6:30 बजे सायरन बजा, हम जाग गए और 5,000 रॉकेट करीब आए थे और हमको डर लग गया कि क्या हुआ। बाद में उस दिन तो छुट्टी थी, दूसरा दिन पूरा सब माहौल बहुत भयजनक था। और थैंक्स फॉर अजय ऑपरेशन के लिए कि हमको यहाँ पे सही सलामत पहुँचाया। थैंक्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, आपको कैसे कांटेक्ट किया गया एम्बेसी? एम्बेसी ने हमको जो था वहाँ पे, वो मेल का था, वो फॉर्म भरने का था, वो सब हमने प्रोसेस किया और सामने से उन लोगों ने अच्छा प्रतिसाद दिया हमको और कॉल किया हमको और सब हमारे अरेंज कर दिया। मैं बहुत आभारी हूँ ऑपरेशन अजय का। ऑपरेशन अजय जो हिंदुस्तान ने, भारत सरकार ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है और सब कुछ बहुत स्मूथली था और फोन आया था और उनका सब सहकार था और सब कुछ अच्छा था। मैं वहाँ 22 साल से रहता हूँ। नहीं नहीं, मैं आता जाता रहता हूँ लेकिन सेटल्ड हूँ वहाँ पे 22 साल से। मैं डायमंड इंडस्ट्री में काम करता हूँ वहाँ पर और उसी सिलसिले से वहाँ रहता हूँ। तो ये जो इस बार जो ये जितना फायरिंग वगैरह फर्स्ट टाइम इस लेवल का था या पहले भी आपने? नहीं, इस लेवल का नहीं देखा है लेकिन आगे भी फायरिंग तो बहुत हुआ है, 2-3 बार देखा हुआ है। तो इस बार की सिचुएशन थोड़ी गंभीर थी लेकिन ऐसे लगता है क्योंकि हमारे फैमिली वाले सब यहाँ पे रहते हैं तो सब लोग फोन कर करके सब घबरा गए थे और बस यही बात रट रहे थे कि आ जाओ वापस। रोज के 10-15 फोन आते थे। हर टाइम साइलेंट बज रहा है, बंकर जिसके पास है वो जा रहा है, जिसके पास बंकर नहीं है उसका और रिस्क है, ज्यादा है। मानो साइकिल लेके जा रहे हो, पटक करके साइलेंट बज गया, उस टाइम में आप कहाँ जाओगे? ये सब सिचुएशन हम लोगों को हैंडल करना पड़ा है। एंड आई गॉट अ रिसर्च अपॉर्चुनिटी इन वर्ल्ड टॉप साइंटिस्ट इन इसराइल एंड बार इलान यूनिवर्सिटी। आई वाज स्टेइंग हियर फॉर 6 मंथ्स इन इसराइल एंड बार इलान यूनिवर्सिटी इन रमत गायन। एंड यू नो व्हेन वी हियर द अनफॉर्चुनेट द वॉर हैज हैपेंड, आई वाज वी वर द ओनली द पीपल हु आर स्टेइंग इन द डॉर्मेटरी ऑल अलोन इन द होल बिल्डिंग। So, and my son, he didn't get the emergency document. We are preparing for the document. Luckily, the Indian embassy have helped a lot. And we would like to thank Indian people and Indian embassy, Indian staff who were in Israel. And you know, such a wonderful government is helping all the students evacuating from Israel to all to India, the home in a safe zone. I've really, my family, behalf of all the Indians, you know, all my family, my wife and my son, it was 42 days old. We want to thank such a wonderful government, the Modi ji. 7 अक्टूबर को हमास आतंकियों द्वारा इसराइल के शहरों पर हमला करने के बाद इसराइल से भारतीयों की वापसी के लिए 12 अक्टूबर को ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। अब तक ऑपरेशन अजय के तहत 1300 से ज्यादा लोग भारत वापस लौट चुके हैं। रविवार को जब छठी फ्लाइट भारत पहुंची तो इस मौके पर यूनियन मिनिस्टर फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी सभी का स्वागत किया और इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। देखिए, हम सबका स्वागत करने के लिए मैं स्वयं उपस्थित हूं सरकार की ओर से और ये हम सबके लिए भी प्रसन्नता है कि हमारे 143 लोग यहाँ पर भारत की टीम में लैंड कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य का है कि उनका स्वागत करने का ये अवसर हमको मिल रहा है। देखिए, वो हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि वही वन जैसे हमारा पूरा फॉर्मेलिटीज होता है वो हम जितने भी बाकी कोशिश है जो आ रहे हैं उन सबके लिए व्यवस्था।